राजधानी पटना से सटे नेवड़ा थाना क्षेत्र के नेवड़ागंज के पास बीते दिनों सत्यम कुमार नामक युवक की गोली मारकर हत्या मामले का पटना पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पटना पश्चिमी सिटी SP अभिनव धीमान ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बाइक लूटपाट के दौरान सत्यम कुमार की गोली मारकर हत्या हुई थी, जहाँ इस मामले में पुलिस ने टेक्निकल सहायता और जाँच के दौरान दो अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से एक देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस और हत्या में उपयोग की गई बाइक अपाचे को भी बरामद किया गया है। हालांकि इस मामले में दो अपराधी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी में पुलिस की टीम लगी हुई है। साथ ही लूटी हुई बाइक को भी पुलिस ने बरामद करने में जुटी हुई है। वहीं इस मामले में CT SP अभिनव धीमान ने बताया कि बीते 1 अगस्त को सत्यम कुमार नामक युवक की हत्या हुई थी, जो बीटा थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गाँव का रहने वाला था, जो देर शाम अपने बाइक से घर लौट रहा था। तभी नेवड़ा थाना क्षेत्र के नेवड़ागंज के पास अपराधियों ने गोली मार दी थी, जहां इलाज के क्रम में मौत हो गई थी। घटना को गंभीरता से लेते हुए TSP 2 के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टेक्निकल सहायता से मामले का उद्भेदन किया गया, जहां मामले का खुलासा करते हुए SP ने बताया कि घटना को अंजाम देकर अपराधी बाइक लेकर भाग रहे थे। तभी शिवाला मोड़ के पास एक पेट्रोल पंप पर अपराधी UPI के जरिए पेट्रोल डलवाया, जिसके बाद मामले में पुलिस ने टेक्निकल सहायता से विकास कुमार को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ में घटना का खुलासा हुआ। घटना में कुल 4 अपराधी शामिल थे, जिसमें 2 अपराधी गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान हरेंद्र कुमार और विकास कुमार के रूप में हुई है। हरेंद्र कुमार के ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और जेल भी जा चुका है। फिलहाल इस मामले में 2 अन्य आरोपी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी में पुलिस की टीम लगी हुई है। दिनांक 1 अगस्त को एक घटना हुई थी नेवरा थाना अंतर्गत, जिसमें एक लड़के को गोली मार दी गई थी। और गोली मारने के बाद जब वहाँ पे पुलिस पहुंची, तो पुलिस द्वारा उनको हाईटेक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। एडमिट कराने के उपरांत इलाज के क्रम में उनकी जो है मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान सत्यम कुमार सिकंदरपुर जो बीटा थाना अंतर्गत है, वहाँ से हुई। जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, इसमें एक विशेष टीम फॉर्म की गई थी STPO दानापुर 2 पंकज मिश्रा के नेतृत्व में, और SHO न्योरा हमारा टेक्निकल सेल जो है एक टीम फॉर्म करके इसमें अनुसंधान शुरू किया। डिफरेंट एंगल्स में पहले हमने एक्सप्लोर किया। पहला ऐसे लग रहा था, क्योंकि जो मृतक हैं उनके जो पिताजी हैं लैंड ब्रोकिंग का काम करते थे, कहीं विवाद ज़मीन को लेके तो नहीं हुआ है। दूसरा एंगल जो सामने नज़र आया था वो ये लग रहा था कि शायद लड़की को लेके ये जो है विवाद हुआ होगा। लेकिन सबसे जो इसमें नोटवर्दी चीज़ ये थी कि जो बाइक R15 ब्लैक कलर का जिसपे सत्यम कुमार जा रहे थे, वो घटनास्थल से गायब था। तो इस पूरे रूट का CCTV फुटेज खंगाला गया, तो देखा गया कि लास्ट जो उनको देखा गया है वो शिवाला मोड़ के पास एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे वो पेट्रोल भरा रहे हैं। उसी क्रम में एक और चीज़ जो नोटिस की गई, या 4 व्यक्ति एक लाल रंग के अपाचे बाइक पे आते हैं और वहाँ पे वो भी तेल भराते हैं, और वो लोग साथ उनके निकलते हैं उस पेट्रोल पंप से। फिर घटना करने के बाद जब वापस CCTV फुटेज देखा गया, तो उधर ही जो पेट्रोल पंप है और उसके बाद न्योरा थाना, वहाँ पे उन 4 लड़कों को देखा गया, लेकिन 2 बाइक्स पे देखा गया। एक काला अपाचे, एक काला R15 जो मृतक का प्रतीत होता था, और एक लाल रंग का अपाचे जिससे ये लोग आए थे। तो जो जिस पेट्रोल पंप पे इनने तेल भराया था, वहाँ पे टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया गया। जिस UPI माध्यम से इनने तेल भरवाया था 70 रुपये का, उसका बैंक डिटेल्स निकाला गया। तो एक लड़के का पहचान हुआ जो विकास कुमार करके हैं। उस लड़के को पूछताछ के लिए न्योरा थाना बुलाया गया। पता लगा उनसे, जब पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना अपराध कबूल किया। बताया कि हम 4 व्यक्ति पेट्रोल पंप पे आए थे, उसमें से एक व्यक्ति जो हरिंदर कुमार है, उनका आपराधिक इतिहास भी रहा है, और 2 अन्य व्यक्ति जो इस समय फरार हैं उनका भी आपराधिक इतिहास रहा है। उन सभी का एकाएक ये प्लान बना, जब उनके द्वारा इस व्यक्ति सत्यम कुमार का पीछा किया गया, न्योरागंज के पास पहुंचे तो वहां पे उनसे बाइक छीनने का उनने जो है प्रयास किया। हाथापाई हुई, सत्यम कुमार ने रेजिस्ट किया। रेजिस्टेंस करने के क्रम में जो है उनको गोली मार दी गई। गोली उनको किडनी के पास लगी, जिसके उपरांत हाईटेक में उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस के द्वारा इसमें सफल उद्भेदन किया गया है। दूसरा व्यक्ति जो हरिंदर कुमार है, जिसका आपको बताया कि एक आपराधिक इतिहास भी रहा है, आप सभी को याद होगा, रूपसपुर थाना में 2023 में ये करीब नवंबर के महीने में एक आलोक कुमार बिल्डर की हत्या हुई थी। उसमें ये हरिंदर कुमार जो है वो मुख्य शूटर थे, जो जेल गए थे, और हाल ही में 11 जुलाई को जो है जेल से बाहर आए थे। उनके द्वारा ये घटना की गई है। हथियार भी इन्हीं का था। वो जिस हथियार से इनने घटना की गई थी वो हथियार नहीं मिला, बट जिनके घर पे जब रेड छापेमारी की गई, तो उनके पास से
एक देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। घटना में यूज जो बाइक लाल अपाचे था उसको भी तीसरे अभियुक्त के घर से बरामद किया गया है। 2 अभियुक्त अभी इसमें फरार चल रहे हैं और जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। पहले गिरफ्तार हुआ था तुमने वाली सर, इतना जल्दी ये हत्या करके और जेल से बाहर कैसे निकल गया, फिर लग रहा है तो इस पे पटना पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती है, ऐसा क्यों जेल में ही अंदर? देखिए, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसका एक अंग जो है वो पुलिस है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कोर्ट्स और रिफॉर्मेटरी जो मैकेनिज्म्स हैं, जेल्स, उनका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो जेल के अंदर क्या हो रहा है, क्यों उनको सज़ा नहीं हो रही, उसके ऊपर तो हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। हम यही इंश्योर कर सकते हैं कांडों का जो है सफल उद्भेदन हो, डायरी अच्छी से लिखी जाए, उसमें एविडेंस पर्याप्त हो और जो है वो उनको कन्विक्शन कराने वाला एविडेंस हम डायरी पे लेके आए, वही हमारा प्रयास रहता है, वही हम कर भी रहे हैं। जितना मुख्य कारण था लूट करने का, बाइक को लूटने का इनका जो है मुख्य जो प्लान था वो उसी पेट्रोल पंप पे जहाँ पे ये बाइक उनके सामने नजर आया, R15 उन्होंने देखा कि एक ब्लैक कलर का आया है, तो चारों के द्वारा प्लान बनाया गया कि इसको लूटते हैं। लूटने के प्रयास से, लूटने के ही मोटिव से वो लोग जो है उसको अटैक किया था बाइक पे, क्योंकि सत्यम द्वारा इसमें रेजिस्टेंस किया गया था तो इनके द्वारा जो है बल प्रयोग किया गया और जो है वो गोली मारी गई, इसके क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। लूट के क्रम में ये मृत्यु ग्राउंड अभी तक पता लगा था, वो रिसेंटली उनने बैंक का एग्जाम क्लियर किया था, बैंगलोर में किसी बैंक में उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी जिसका पेपर वर्क करने के लिए वो अभी पटना अपने घर वापस आए हुए थे।